आगा रूहुल्ला साहब तकरीर करेंगे और कहेंगे 35A हटाने का फैसला जम्मू कश्मीर के लोग कबूल नहीं करते। यही बीजेपी वाले खड़े होंगे और कहेंगे आगा साहब आप झूठ क्यों बोल रहे हो, जम्मू कश्मीर की कानून साजी असेंबली ने इस पे अपना मोहर लगाया है, जम्मू कश्मीर के नुमाइंदों ने 370 के हक में अपना फैसला सुनाया है, आप क्यों दुनिया को झूठ बोल रहे हो। और आगा रूहुल्ला साहब के पास इसके इसका जवाब नहीं होगा। हम जो कहते हैं कि हम इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे, हम जो कहते हैं कि कल को इंशाल्लाह दिल्ली में निजाम बदल जाएगा, हम अपने हकूक वापस हासिल कर सकेंगे, अगर असेंबली से 370 को हटाने की का फैसला जो है अगर उस पर मंजूरी का मोहर लगा, हम ये कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये इलेक्शन जहां हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके रोजमर्रा के मसले हल करें, वहां हमें आने वाले कल का भी ख्याल रखना पड़ेगा, हमें अपने इन बच्चों के मुस्तकबिल को बचाना होगा, अपनी जमीनों पे जो हमारा हक था वो वापस हासिल करना होगा, अपनी दरियाओं पे यहां इस दरिया की जिसकी जिक्र फारूक शाह साहब ने की, यहां से पत्थर निकालने का हक तो आप लोगों को होता था, यहां से रेत निकालने का हक तो आप लोगों को होता था, आज वो हक आपसे छीना गया है। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह 8 अक्टूबर के बाद जब आपकी दुआओं के नतीजे में और आपकी वोट के नतीजे में यहां हमारी हुकूमत बनेगी, इन दरियाओं से पहाड़ पत्थर निकालने का पहला हक जो है आप लोगों को वापस दिया जाएगा, यहां रोजगार का हक हमारे नौजवानों को होगा। जिस तरह फारूक शाह साहब ने कहा, हम पहले दिनों में ही यहां 1 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजिम लगाने का काम करेंगे, हम दूर दराज इलाकों में दोबारा वहां स्पेशल पुलिस की भर्ती कराएंगे, हम डेली वेजरों को रेगुलराइज करने का काम करेंगे। फारूक शाह साहब ने बिजली के हवाले से बात की, साफ पीने के पानी के हवाले से बात की, ग्रेटर गुलमर्ग का एक प्रोग्राम बनाने के हवाले से बात की, ताकि गुलमर्ग के टूरिज्म का फायदा सिर्फ गुलमर्ग को ही ना पहुंचे, गुलमर्ग के टूरिज्म का फायदा टंगमर्ग कुंजर आसपास के इलाके जो हैं वो भी इस टूरिज्म का फायदा लेके यहां से कुछ कमाए। लेकिन वो सब तभी मुमकिन होगा अगर कि हम दिल्ली की साजिशों को नाकामयाब करें।